वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बदायूं में दो बच्चों की हत्या का मामला, एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। यूपी के बदायूं से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, बच्चे की हत्या का मामला, दूसरे आरोपी के फरार होने की खबर अभी है। मामूली विवाद के बाद दो बच्चों की हत्या की जाती है, धारदार हथियार से दो नाबालिग बच्चों की हत्या। एक बच्चे की उम्र मात्र 14 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल। और उसके बाद में अब ये खबर आ रही है कि बच्चों को मारने वाला आज शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ये घर है, दो बच्चों की हत्या कर दी। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको हटाया बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है, जो लैंडलूट कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई हो। कितने बच्चों की मौत हुई है? दो बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि दो बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसे पुलिस पर फायर करने के प्रयास किए, फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इस फायर में उसकी जो है अपराधी की मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे कार्रवाई कर रही। अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वजह भी साफ है कि दो बच्चों की हत्या की जाती है, अब पुलिस एक्शन में आई है और एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। जो खबर है वो ये कि धारदार हथियार से दो नाबालिग बच्चों की हत्या की गई, जिसकी उम्र 14 साल थी एक बच्चे की और दूसरे बच्चे की उम्र मात्र 6 साल थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हमारे